दिखाना चाहता हूं कि मैं मेवात में गया था और मेवातियों 10,000 मेवातियों के साथ हम लोग 2 तारीख को पिछले महीने इसी महीने 2 तारीख को हम लोगों ने यहां जंतर मंतर पर मजमा भी लगाया था। आप जुनैद के घर भी मैं गया था। आप मेवात के इतिहास को जानते हैं? दीवारों पर नारा लिखते हैं बाबर की औलादो भारत छोड़ो। जानते हैं मेवात का इतिहास, मेवातियों का इतिहास? 1527 ईस्वी में जब बाबर सेना लेकर के आया खानवा के मैदान में, राजस्थान में वो खानवा का मैदान है, बाबर की सेना से लड़ने के लिए हसन खान मेवाती 12,000 घुड़सवार फौज के साथ गया। इतिहास पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि बाबर ही इस मुल्क के अंदर सबसे पहले तोप और बंदूक लेकर के आया था। उसके पहले परंपरागत हथियारों से लड़ाई होती थी। 12,000 सैनिक हुब्बुल वतनी का, देशभक्ति का, भारत के इतिहास में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती है। एक दिन में 1527 15 मार्च को खानवा के मैदान में 12,000 मेवाती मुसलमान सिपाही मारे जाते हैं अपने सरदार हसन खान मेवाती के साथ। उन मेवातियों को आप बिरयानी में आप बीफ खोज रहे हैं, घर घर में हड़िया और तसला उखाड़ करके देख रहे हैं। उनका सारा रोजगार आपने, जितने मेवाती को आप, मेवातियों को आपने टारगेट किया है, मेवातियों जितना गोपालन मेवाती करते हैं उतना कोई गैर मुस्लिम भी गोपालन नहीं करता। उनके सामने मैं गया था। सबसे बड़ा संकट है कि वो गाय नहीं पालन करना चाहते हैं। राजस्थान में जाके के अलवर में कुछ मुसलमानों ने ले जाकर के कलेक्ट्री में कहा, अपनी सैकड़ों गायों को ले जाकर के इसको रखिए, ये हमारे जान का जंजाल बन गया है, ये हमारे जानवर। कलेक्टर ने हाथ जोड़कर, आप ही का कलेक्टर है, आप ही की हुकूमत है, हाथ जोड़ करके कहा कि मेहरबानी करके ले जाओ, इतनी गायों को हम कहां रख सकते। महोदय मैं हरी